हेलो गाइस, तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आपको जो गूगल मैप बिज़नेस है उसकी जो लिस्टिंग है कैसे आप उसको रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे, मान लीजिए आपकी जो लिस्टिंग है पूरी अप्रूव हो चुकी है गूगल पे, गूगल ने उसको एक्सेप्ट करके आपको जो वेरिफिकेशन कोड भेजा था वो आपने इनपुट करने के बाद आपकी जो जो गूगल माई बिज़नेस की लिस्टिंग है वो लाइव हो चुकी है। ठीक है, तो अब इसके बाद मान लीजिए अगर आपको कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको जो एडिट करनी है, कोई भी आपने मिस्टेक कर दी थी उसमें और आपको जो है चेंज करना है, कोई भी फ़ोन नंबर या उसमें अपडेट करना है या फिर आपको वेबसाइट का जो लिंक है वो उसमें अपडेट करना है, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें कैसे करोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में ये देखेंगे कैसे आप उसको एडिट कर सकते हो। अगर कुछ भी आपने उसमें है जो मिस्टेक कर दी है आपको वेबसाइट उसमें अपडेट करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम एडिट इन्फो, जब एक बार आपको मैं ये भी बता देता हूँ, इसमें जब आप इसमें अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन होंगे, जैसे आपने लिस्टिंग सबमिट करी है, तो आप उस पे ही उसमें ही आपको जो ऑप्शन डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो अपने आपको अपने गूगल अकाउंट से इसमें लॉगिन करना है, उसके बाद आपको जो है ये ऑप्शन यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अभी जैसे COVID-19 चल रहा है तो आप इसमें बिजनेस आवर्स भी अपडेट कर सकते हो, अगर आपका जो बिज़नेस ऑफ है तो इसमें आपको ऐसा भी शो करेगा अगर आपको बिजनेस आवर्स उसमें चेंज करने हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट इन्फो पे, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन से शो करेगा, चेंज नेम और अदर डिटेल्स, जैसे कि नेम, लोकेशन और ये सब चेंज करना आपको, या फिर मान लीजिए अगर आपका बिज़नेस क्लोज हो चुका है और आपको ये जो जो प्लेस है ये आपको रिमूव करनी है यहाँ से, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम चेंज नेम इस पर आ जाते हैं, तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे आप कुछ भी इसमें जो एडिट करते हैं अपने गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग में, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है अपडेट होने के लिए। हमें लिखा हुआ है योर एडिट रिव्यू टाइम मे बी डिलेड। ठीक है, तो इसको 1 से 2 या 3 दिन भी लगते हैं उसको कभी कभार अपडेट होने के लिए। यहाँ पे मान लीजिए आपको जो अपने बिजनेस का नेम है थोड़ा चेंज करना है ऑनलाइन, या फिर ऑनलाइन आपको जैसे रिमूव करना है, तो वो भी आप इसमें यहाँ पे चेंज अपना नेम कर लेंगे। अगर आपको इंग्लिश में कुछ एडिशनल नेम डालना है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए कैटेगरी आपको जो है चेंज करनी है अपने बिजनेस की, रेस्टोरेंट है, स्कूल है, तो कुछ भी आप यहाँ पे कैटेगरी चेंज भी कर सकते हैं। एड्रेस अगर आपको अपडेट करना है तो एड्रेस भी आप यहाँ पे अपडेट इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्लेस सर्च करनी है तो वो आप यहाँ पे जैसे प्लेस पे सर्च कर लेते हैं, तो प्लीज़ जैसे आपको यहाँ पे कुछ अपडेट करनी है तो वो भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका जो आवर्स होते हैं, किस टाइम में जो है आपके बिज़नेस ऑपरेशनल होगा, कि कौन से दिन आपका जो बिज़नेस है प्रोडक्ट सर्विस खुली रहेगी। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो अपने, अगर आपका जैसे ये है इसमें आपको चेंज करना है 7 PM से लेकर मान लीजिए आपको 8 PM करना है यहाँ पे, तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका जो बिज़नेस है 24 आवर्स खुला है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको फ्राइडे को क्लोज़ रखना है तो क्लोज़ आप उसमें जो टाइम है वो हटा देंगे अपना, और अगर 24 आवर्स है तो 24 आवर्स। ठीक है, तो आपको ऐसे जो है अपनी लिस्टिंग अपडेट करनी है, संडे को हो सकता है कि आपका बिज़नेस क्लोज हो तो आप इस पर क्लोज़ कर देंगे, और अगर आपका जो बिज़नेस है ओपन है तो 24 आवर्स आप इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो था आपका ये भी अपडेट हो गया, और अगर आपको कोई उसमें फ़ोटो अपडेट करनी है तो फ़ोटो अपने बिज़नेस के रिगार्डिंग डालनी है तो यहाँ से आप इसमें ऐड अ फ़ोटो पे क्लिक कर देंगे, तो आप अपने जो भी कंप्यूटर है वहाँ से आप इसमें अपलोड कर सकते हैं फ़ोटो। ठीक है, फिर बारी आती है आपकी कॉन्टैक्ट की, कॉन्टैक्ट में आप जो है इसमें जो भी अपना नंबर चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए पहले आपने कुछ गलत डाला था आपको दोबारा सही करना है, तो भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद बारी आती है वेबसाइट की, वेबसाइट में अगर आपको कुछ चेंज करना है तो वेबसाइट भी आपकी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी जो भी लिंक होगा आपकी वेबसाइट का। अपन जो भी आपका कॉन्टैक्ट पेज होगा, जो भी वेबसाइट पर आपने कॉन्टैक्ट पेज अपडेट किया होगा, अगर आपको उसको अपडेट करना है तो कॉन्टैक्ट पेज आपका यहाँ पे URL ये अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। यस, फिर अबाउट में जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन डेट है उसको अगर आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको आई डोंट नो पे सेलेक्ट करना वो भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको उसमें सेलेक्ट करनी है यहाँ पे डेट तो वो आपकी यहाँ से हो जाएगी, अगर ईयर आपको चेंज करना है या फिर डेट आपको चेंज करनी है। और इसमें भी लिखा है कि गूगल आपको ईमेल कर देगा जो भी मतलब आपने एडिट किए होंगे उसके कंफर्मेशन के लिए, एक आपके पास ईमेल आ जाएगा। ठीक है,
तो सारा अपडेट होने के बाद जैसे ही आप इसमें लिस्टिंग पे अपडेट कर देंगे, यस, तो आपके पास जो है एक मेल आ जाएगा कंफर्मेशन के लिए, आपकी जो एडिट जो भी आपकी लिस्टिंग में एडिट था उसके लिए मेल आ जाएगा आपके पास। तो कंफर्म होने के बाद जो आपकी जो लिस्टिंग है वो 2 या 3 दिन में अपडेट हो जाएगी गूगल पे। यस, तो यहाँ पे जो आपके सारी जो जो भी आपने अपडेट्स डाले होंगे वो सारी आपकी लिस्टिंग यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो आप इसको किसी भी टाइम अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ कोई भी इंफॉर्मेशन है पहले गलत अपने फिल करी है तो वो इसमें आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं अपने इसके थ्रू। और एक और चीज़ इसमें बता देता हूँ, जैसे व्यूज़ आपको चेक करना है तो व्यूज़ भी आपको यहाँ पे शो करता है, और इसको हम डिटेल में भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इनसाइट्स आप कैसे देख सकते हो कि आपकी जो लिस्टिंग है कितने लोगों तक पहुँच रही है ये लिस्टिंग, ठीक है। तो बेसिक ओवरव्यू था कि कैसे आप इसको एडिट कर सकते हो अपने लिस्टिंग को, अगर आपने कुछ भी मिस्टेक कर दिया पहले जब सबमिट करी थी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग की, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।